साउंड एक्शन हमारा हमारी बहन है तुम खड़ी। देखा दोस्तों, मध्य प्रदेश की हालत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बिना गैस चूल्हा जलाए चाय बना डाली और चाटुकारिता में वह चाय लोगों ने पी भी लिया। भाई, मोहन यादव में गजब का टैलेंट है, एकदम हमारे साहब मोदी जी जैसा। और ये गैस उतना ही जल रहा है जितना तेज सरकार काम कर रही है। और जब एक चाय वाले ने 10 सालों से देश को बेवकूफ बनाया है तो उनसे प्रेरणा लेकर उनके चेले एक प्रदेश को तो चूना लगा ही सकते हैं। या फिर यह भी हो सकता है कि साहब जी बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, बल्कि ध्यान से देखिए, डायरेक्ट नाले के गैस से जुड़ा है। यह ऐसा गैस है कि बिना जलाए ही आग दे देता है। और जब हमारे साहब जी बिना गैस जलाए गुरुद्वारे में खाना बना सकते हैं तो उन्हीं के तो चेला है मोहन यादव जी, फार्मूला भी वही इस्तेमाल किया होगा। आप लोगों को पता नहीं है लेकिन गैस जल रहा है, वैसे हमें लग रहा है भाजपा वाले मैथ के छात्र हैं, ये मान लिए होंगे कि गैस जल रहा है। Once more! और उनके अंधभक्त भी चाय को ऐसे फूंक मार मार के पी रहे हैं जैसे बहुत ज्यादा जल रही हो। इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि ये तो चाय ही थी। ऐसे ऐसे अंधभक्त पड़े हैं कि अगर पेशाब करके गिलास में दे दे तो उसे भी अमृत समझकर बड़े ही चाव से पी जाते। बस ऐसे ही चल रही है हमारे देश की सरकार, सब चाय बनाने में ही व्यस्त है, भाड़ में जाए सब जंजाल। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखा दोस्तों, देश में अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पर है, लेकिन देश में पुलिस प्रशासन अभी कुछ जरूरी कामों में व्यस्त है। और अपराधियों का मनोबल क्यों नहीं ऊपर होगा जब पुलिस विभाग ही भक्ति भावना में लगी हुई है। और हमारे पूर्वजों ने तो सिर्फ अंधेर नगरी चौपड़ राजा की केवल कहानियां सुनी थी, मगर हम लोग कितने खुश नसीब वाले हैं कि ये सब साक्षात अपनी आँखों से देख भी रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और यही सब होगा जब बेटे के लिए पढ़ी लिखी बहू और बेटी के लिए इंजीनियर या डॉक्टर पति, और देश की बात आए तो बाबा ढोंगी फकीर झोला छाप ताड़ी पार चाहिए तो। और हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी में पुलिस का भगवाकरण हो चुका है, कुछ दिन बाद वर्दी का भी रंग बदल देंगे, पुलिस की जगह नाम दिया जाएगा हिंदुत्व के सिपाही। और हम तो कहते हैं कि हिंदू धर्म में पैदा होकर हिंदुत्व का विरोध करने वाले लोग कोठे पर बैठे वाले लोगों की तरह हैं, जिन्हें धर्म से नहीं सिर्फ धंधे से मतलब है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।